एक वक्त था जब कॉलेजेस में सीएस की सीट लेने वाले बच्चे नहीं थे। कोविड के बाद ऐसा क्या उछाल आया कि बीटेक मतलब ही सीएससी हो गया? क्या कंप्यूटर साइंस का बूम एक बबल है जो कभी भी फट सकता है, या शिखर की बुलंदियां अभी छूनी बाकी हैं? बेहरहाल, इन अटकलों को दूर रख के हम फिलहाल सीएससी की बात करते हैं, क्योंकि आखिर धूम तो कंप्यूटर साइंस की ही है। जहां बीटेक कंप्यूटर साइंस कोर्स करने वाले बच्चे 9th क्लास से ही एंट्रेंस एग्जाम प्रिपेयर करने में लग जाते हैं, तो वहीं कुछ बच्चों को ये डर सताता है कि अगर JEE मेंस नहीं क्लियर हुआ तो किस कॉलेज में जाएंगे। कितना जरूरी है एक अच्छा कॉलेज अच्छी प्लेसमेंट के लिए? और आखिर क्या है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के कोर्स में? सब्जेक्ट्स क्या हैं? कॉलेजेस कौन से हैं जिनमें एडमिशन लेना है? एंट्रेंस एग्जाम कौन सा है? फी स्ट्रक्चर, जॉब, स्टार्टिंग सैलरीज, और आखिर क्या है लाखों और करोड़ों के पैकेजेस का सच? सब कुछ समझेंगे और जानेंगे आज हम इस वीडियो में। आप बने रहिए हमारे साथ। बीटेक सीएससी, जो कि 4 साल का एक इंजीनियरिंग कोर्स है जिसमें कंप्यूटर से जुड़ी सारी बारीकियों को गहराई से पढ़ाया जाता है। अब चाहे वो हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग हो, हर पहलू को कवर किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बीटेक सीएससी के सिलेबस की बात करें तो इसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, कंप्यूटर नेटवर्क, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल कम्युनिकेशन, मशीन लर्निंग जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसके पूरी डिटेल्स के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर बीटेक सीएससी के बारे में और जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर बीटेक सीएससी में ही क्यों करना चाहिए। Why do BTech computer science? Computer is used in everything in our daily lives. Be it the cars we drive, the movies we watch, meetings हो, presentations हो, हर जगह computer use होते हैं। यानी एक तरह से हम technology के ही इर्द गिर्द हैं, जिसके साथ job opportunities भी जाहिर सी बात है increase होती है। BTech CSE students get well reputed job and with good job you get satisfaction, which is a huge boost to the morale of students. Moving on, BTech CSE की eligibility की बात करते हैं और इसमें admission कैसे लिया जाता है इसकी भी। 12th में physics, chemistry, maths वाले बच्चे ही apply कर सकते हैं इस engineering course के लिए with minimum 60%। और एडमिशन प्रोसेस की अगर बात करें तो काफी यूनिवर्सिटीज एक तरफ जहां अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती हैं या मेरिट बेस्ड एडमिशन लेती हैं, वहीं दूसरी तरफ IITs या NITs में JEE मेंस के बेसिस पर एडमिशन्स होते हैं, जिसे क्लियर करने के बाद काउंसलिंग के बेसिस पर कॉलेजेस और बीटेक की कौन सी स्ट्रीम आपको मिलती है वो भी डिसाइड होती है। अब ये जान लेते हैं कि आगे फ्यूचर स्कोप क्या है आखिर बीटेक सीएससी का, क्योंकि आपने अपने आप से ये भी सवाल जरूर पूछा होगा कि बीटेक सीएससी के बाद करूंगा क्या। तो आपको मैं बता दूं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर, टेस्टिंग इंजीनियर, सिस्टम एनालिस्ट, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डिजाइनर, सिस्टम डिजाइनर, प्रोग्रामर एनालिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग फर्म्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, जर्नलिज्म, एडिटिंग एंड कंटेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग फर्म एंड मेनी मोर, जिसका एक डिटेल वीडियो हम अलग से बनाएंगे। और इसी के साथ आई होप आपको बीटेक कंप्यूटर साइंस की सारी डिटेल समझ आ ही गई होंगी। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बीटेक सीएससी के कॉलेजेस की भी डिटेल्स देंगे अदर देन IITs एंड NITs, और जानेंगे उनके फी स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट जैसी डिटेल्स भी। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। आई होप आपको ये वीडियो में सारा डिटेल बीटेक सीएससी का समझ आ ही गया होगा। और हाँ,
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, ताकि ऐसे ही और वीडियोस हमारी आप तक पहुंचती रहे।